किसी ने भी किसी खप्पा रहा ना किसी संगठन वाला ना किसी ने कोई कसर को ना छोटी समर्थन देने में भी फिर नहीं समझ में आई अब कमी कड़ा रहेगी। लगभग 10 दिन तक हमारे शहीद जो संत लाल जी थे उनकी बॉडी हमने गांव में रखा है और डीसी का मैदान का सारी बात मान ली गई थी। डीसी साहब अपनी बदली करा गए उसके बाद फिर समस्या न्यू की न्यू रहेगी। गांव की तो समस्या न्यू की न्यू है इतना बड़ा बलिदान 1857 की क्रांति में इस गांव राम ने दिया लेकिन उसके बाद भी जो इस गांव राम ने पीड़ा उठाया इस गांव की आजादी खातर उस पर हमारे शहीद संत लाल जी भी अपनी शहादत दे गए थे। उसके बाद लगातार यह धरना चलता रहा। तमाम यह सारी बात आप लोगों के बीच में पहले बता भी थी और मैंने मेरा दिल में बड़ा दर्द है बड़ा दुख है क्योंकि 5 महीने पहले आदरणीय वेद प्रकाश जी जो आज अपने प्राण निछावर करके मेरे पास भी इनका फोन आया था आमरण अनशन पाया उस टाइम बैठे थे आदरणीय भूप सिंह अंकल जी थे वो भी उनके पास थे मेरे पास इनका फोन आया ये 10 दिन तक आमरण अनशन पर भी बैठे थे। गांव के लोगों ने उड़ा सूद नहीं ली आज हमने पछतावा हुआ है। हम पहुंचे मैं और विकास भाई हम पहुंचे इनके पास हमने इनकी समस्या सुनी उस टाइम भी ऐसी भावना में थे कि शायद कदे अपने प्राण ना खो दे लेकिन वही बात है भाई अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुगी खेत उस टाइम तो हमने इनका आमरण अनशन तो हमने खुलवा दिया हाथ पैर जोड़ कर कमेटी तभी हमारी बात हुई भाई इस काम का बीड़े न उठाओ ये 2000 हमारे भाई है जो इस काम का उद्देश्य खातर इतनी भावना तक जुड़े हुए हैं लगातार 5 महीना तक यहाँ सेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे और बड़ा दुख हुआ मैंने कि अंकल जी छोड़ कर चले गए और आज भी मैंने कहूँ कि गांव राम ने पल्ले भी धरना ला सारी समस्या का बेरा गांव राम की कमेटी ने बेरा कमी कड़े रही आज बोलने का और कि मैं सुनने का टाइम कौन है जज फैसला लेने का टाइम है यो तो अपनी साथ इतने दे गए चिंगारी तरह बीच में छोड़ कर गए लेकिन इस चिंगारी में तो हम कड़े तक लेकर जाओ हो वो कहानी भी समाज का है इन खप्पा का है इन संगठना का है और सरकार की तो मैं कहूंगी कि बड़े शर्म की बात है बड़े बेशर्मा का राज आ रहा है सुसाइड नोट सरेआम लिख कर जा रहे एक देश और एक कानून की लोग बात करें कानून तो सबके लिए बराबर होगा इनके इतने बलात्कारी इतने इनके गैंगस्टर पता के ऊपर बैठे सरकार के आज हमारे बीच में देख किसी भाई के खिलाफ या सुसाइड नोट होंदा तो कद का सलाखा का पीछा होंदा और बड़े शर्म की बात है एसपी साहब ये कह रहे कि डीसी के लाइफ स्पॉल हो जाएगी भाई मारे इस आदमी का पीछा परिवार कौन था मारे इस बुजुर्ग का पीछा बालक बच्चे नहीं थे या हजारों लोगों ने जो इस गांव के लोगों ने 1857 की क्रांति में जो शहादत दे दी क्या उनका बालक बच्चे नहीं थे यदि इस देश के अंदर एक संविधान और एक कानून है तो वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अरे मैं इस समाज का इस गांव राम का मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि गांव की लड़ाई हमारी खातिर पाछे पहले हुए हत्यारे जेल में जाने चाहिए जो आज भी यो के लिए उन पदा के ऊपर बैठे हमें बर्खास्त की नहीं चाहिए ना उसकी हड़त बदली चाहिए हमने सलाखा का पीछा चाहिए जिनके कारण जिनके द्वार पर जाते जाते ना अपने जूते की शादी है और बड़े शर्म की बात है वो लोग ये कह रहे कि तुम मुर्बे खातर फिरो बड़ा दर्द होगा बड़ा दुख होगा ये बात शुरू करना है इस लोकतंत्र देश के अंदर ऐसी भाषा इन लोगों के साथ यूज की जा रही किसे नाचे गए के कोना मांगते ये लोग अपने अधिकार मांगे जो इस काम के अधिकार हैं लेकिन बड़े शर्म की बात आज ना तो सरकार है खट्टर साहब ने भी इस बात का बेरा देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारी चीजें तो वाकिफ गांव के गांव में आज तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया है गांव के अंदर तो इस तो बड़ी शर्म की बात क्या होगी देश की प्रदेश की सरकार के लिए। मैं एक बात कह रही हूँ कमेटी तक भी मेरी आवाज जारी होगी आज फैसला लेने का टाइम है रोनाथ गांव में पहले भी बैठे थे और फैसला जब भी आया था कि यहाँ धरना लाने का काम नहीं चलता या तो नेशनल हाईवे पर चलो मरी लासा की प्राण माटी तो इन्हें करे दी मरी लासा की प्राण माटी तो इन्हें करे दी जब हमने 10-10 दिन तक मारे मृत शरीर को हमारे दौरा रखना पड़ा और उनकी आत्मा ने शांति जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लोग इस लड़ाई का मुकाम तक नहीं लेकर जाओगे मैं ऐसा समझती हूँ कि यहाँ तो यदि समाज के लोग पीछे हट गए
कौन के प्राण उन्हें न कारण छावर करे। यदि आपने न्यू लगे कि वो तो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते चले गए, वो आप समाज का भरोसे इस लड़ाई न छोड़ कर गए कि आप समाज के लोग इस लड़ाई न मुकाम तक लेकर जाओगे। पहले भी हम 3 दिन तक रात के 12 बजे भी हम रोनात की महिलाओं के साथ रहे, चाहे किसी भी हद तक का फैसला होया, गांव में तोड़ा नहीं चढ़ा 2 दिन तक। और आज भी हम एक के बात कर रहे हैं गांव राम की कमेटी तो भाई ड्रग का फैसला ना लो, आप संख्या न देख कर भी फैसला ना लो कि अरे कितनी संख्या है। संख्या पर फैसले निर्भर नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने जो अपनी शहादत दिया है वो फैसला उस शहादत पर निर्भर कर रहा है कि उनकी शहादत न करा ना जावे। गांव राम जो भी संगठन जो भी खाप गई है जो भी फैसला लेकर आऊंगे वो हमारा सर्वमान्य है, किसी भी हद तक उस फैसला का पीछा नहीं हटाएंगे। और जब तक इन शहीद को न्याय नहीं मिल जाता, इस गांव को उसकी आजादी नहीं मिल जाती, गांव हरियाणा के लोग तो पल्ले भी उनका दूर नहीं थे, राघव भी उनका दूर नहीं है। जब एक खोल दोगे, जब आप लोगों के बीच में अड़े खड़े मिलोगे, और पहले भी हम इस गांव राम के साथ रहे यार मिलते रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरा समर्थन यह दूंगी कि गांव राम जो भी फैसला लेगा, चाहे वो मरण का फैसला क्यों ना हो, वो तो अपनी शहादत देगा, लेकिन उस खातर हमें शहादत भी देनी पड़े तो हम उसका भी पीछे नहीं हटाएंगे। जिस तरह का भी हमारा समर्थन इस गांव राम ने चाहिएगा, इस समाज ने चाहिएगा, एक बेटी होने के नाते हमारा पूरा समर्थन उसके साथ है। लेकिन एक बात यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि कैन सुनन की बात को नहीं, तो फैसला लेने का टाइम आ रहा, 8 दिन हो गए शहादत हो इन्हें, और ये कह रहे कि हम तो एक बात और कह रहे कि जान तो उनकी चली गई, हमारे मृत शरीर की बॉडी अभी प्रशासन के अंडर में है, अगर उस बॉडी के साथ कोई छेड़खानी हो है, या उनके साथ मतलब कोई भी किसी भी तरह की समस्या पैदा हो तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन और यह सरकार है, और डीसी साहब को भी और इस प्रशासन वाला का भी हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत दिनों के लड़ते हैं, अभी भी इन्हें कमजोर रखने की जरूरत नहीं है। भाई नवीन जैन जी आप लोगों के बीच में आए, भाई का बहुत स्वागत है। इन लोगों ने कमजोर रखने की जरूरत ना करो, एक जो फैसला होगा भाई हमारा पहले भी फैसला था, मेरा यह सुझाव है कमेटी के लोगों तक, बाकी बहुत बुद्धिमान लोग मीटिंग के अंदर जा रहे हैं कि यह धरना हमने किसी और जगह ले जाने पर मजबूर ना करे प्रशासन।